वॉइस ऑफ फैमिली में आपका इस वक्त मैं हूँ आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। वही बड़ी खबर सामने आई है उज्जैन से, जहाँ 20 साल की छात्रा का चाइनीज मांझे से गला कट गया। छात्रा ममेरी बहन को लेकर एक्टिवा से जा रही थी, जीरो पॉइंट ब्रिज पर गर्दन से मांझा उलझ गया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। चाइनीज मांझा ब्रेड की तरह पैना होता है, प्रतिबंध होने के बाद भी इसकी बिक्री और खरीदी होती है। छात्रा का नाम नेहा अंजना पुत्री उमेश सिंह है। वह महीपुर तहसील के नारायण गांव की रहने वाली है और उज्जैन में मामा के यहाँ पढ़ाई करने आई थी और नेहा मौके पर ही काफी देर तक तड़पती रही। घटनास्थल पर खून फैल गया था और एक्टिवा भी खून से लाल हो गई। मामा की बेटी को भी चोट आई है। वही उस वक्त जब ये हो रहा था, जब लोग तमाशबीन बन रहे, तभी वहां से एडवोकेट रविंद्र सिंह सेंगर निकले तो उन्होंने छात्रा को अपनी कार में बैठाकर पाटीदार अस्पताल पहुंचाया। छात्रा की वहां मौत हो चुकी थी। नेहा मामे की बेटी के साथ इंदिरा नगर से फ्रीडेंस के लिए निकली थी और उसके परिजन को सूचना दे दी गई। वहीं माधव नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। टीआई मनीष लोधा ने बताया है कि इस मामले में जांच की जाएगी। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं। चाइनीज मांझा अन्य मांझों की तरह धागों से नहीं बनता, ये नायलॉन और एक मैटलिक पाउडर से मिलकर बनाया जाता है। ये प्लास्टिक के जैसा लगता है और स्ट्रेचेबल होता है। ऐसे में जब इसे खींचते हैं तो ये टूटने के बजाय बढ़ जाता है और चाइनीज मांझा काफी धारदार भी होता है। इस पर बैन के बावजूद भी लगातार इसकी बिक्री हो रही है और ऐसी घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। ये था आपका अपडेट। लगातार इस मैगी के अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।